गजवा में शोभताटे नगवा के हरवा शोभे चनरम। बर्थडे पार्टी में आए हैं, बर्थडे पार्टी बाटे और पार्टी का बा घर के माहौल बा, सब कुछ घर, सब लोग घर के बाटे। और बड़ भैया उनके स्वस्थक भारत के संस्थापक जे बानी सुशील भैया, वहाँ के भतीजियों के बेटी भतीजी भैली, आज उनका जन्मदिन के अवतरण दिवस के सबसे पहले अखंड शुभकामना दूंगा कि हमेशा खुश रखस, मस्त रखस, स्वस्थ रखस माता पिता। नमस्कार दोस्तों, आर के पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे हैं वो जगह बक्सर है, जहाँ पर हमारे स्वस्थक भारत के ऑनर हैं सुशील भैया, और अभी उनकी भतीजी का बर्थडे पार्टी चल रहा है, जिसमें हम बात करते हैं सुशील भैया से। तब कैसे हैं सुशील भैया? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कह रहे हैं कि ये पार्टी जो अच्छा लग रहा है, मान लीजिए बर्थडे पार्टी था, भतीजी का था, सभी लोग आप दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि भाई आप इतने रात में चल के आए, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत। मैं आया कि पवन सिंह का जो टीम है, टीम के लोग यूट्यूबर को लंगा करके पीटा गया, उनके बारे में पहले तो हम बताना चाहेंगे कि पाँचों उंगली बराबर नहीं है। आप भी एक ब्लॉग चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, चाहे लेकिन देखिए नियम इसमें ये होना चाहिए कि आप अगर आप पे लग गया कि भाई यूट्यूबर हैं, चाहे आप चैनल वाले हैं, तो आपको एक तरफा नहीं, आपके एक तरफा चलाएंगे नहीं भाई, दोनों पक्ष का बात रखिएगा ना। तो कहीं ना कहीं महेश पांडे का गलती था, हम भी चलाते हैं लेकिन भाई एक आदमी के पक्ष में नहीं ना चला सकते, पक्ष विपक्ष दोनों को भाई चलाइए आप, दिखाइए। पवन सिंह, अरे भाई क्यों, पवन सिंह क्या किए हैं आपको? पवन सिंह क्या किए? बात ये है कि नहीं, उन लोग ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा ठीक है, वो तो गलती हुआ है, अगर गलती हो गया तो जो महेश पांडे किया है ऐसा किसी यूट्यूबर के साथ लिए बहुत बने गलत किया है, गलत हुआ है, जो महेश पांडे के साथ हुआ है किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझा दीजिए, लेकिन आप कपड़ा उतरवा दीजिए, ड्रिंक करवाइए, सिगरेट पिलाइए, ये कहाँ का बताया भाई, ये तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की टीम द्वारा गलत हुआ है। पहले देखिए ये हमारे समरेश भाई है, सिंगर हैं, इनका गाना अभी उभरते कलाकार हैं लेकिन गाना इनका चल रहा है। तो समरेश भाई हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आर के पांडे ब्लॉग्स के जितना लोग देखे वाला बा, सबको एक नतमस्तक प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। कैसा लग रहा है आप, अभी आपका कौन सा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है? ट्रेंडिंग में अभी कौन गाना बतावल जाए, अभी तक वो वीडियो वायरल हो गया, सावन में ये गाना निकाले है ना, एक दो दिन के अंदर में ही 4-5 वो कंटेंट। अभी कोई गाना आपका नहीं निकला है? गाना रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो भी शूट हो चुका है, 2-4 दिन के अंदर में सब। दो लाइन आप गा सकते हैं? जी ना, जो नया वाला गाना जब तक रिलीज नहीं हो तब तक नहीं सुना पाता, कारण कि माहौल अब वैसा नहीं रह गया भोजपुरी के। और भी हमारे लोग मेहमान उपस्थित है इस बर्थडे पार्टी में, चलिए इनसे जानते हैं। तब कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर के पांडे जी का स्वागत है इस ग्राथा ग्राम, जो ब्रह्मपुर नगरी बाबा परमेश्वर धाम नगरी बोलते हैं, ये बक्सर जिला में। ये आप लोगों का न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं कि आप सुशील सिंह का भतीजी के बर्थडे में आए। ये हमारे गायक, हमारे क्षेत्र के अमरेश जी, इनके सावन के पावन भूमि बाबा परमेश्वर धाम के नगरी में आए हैं। इनसे दो लाइन के हम लोग भी चाहते हैं कि जो गीत निकाले हैं दो लाइन के, यदि इनसे सुनाए तो हमारा भी कोई गाना गुनगुना दीजिए जो आपको। जी सावन सबसे सुंदर महीना हटे साल के, बड़ा ही पावन महीना मानल जला, एगो गाना हम गैले रहनी बाबा खातिर। गजवा में शोभताटे नगवा के हरवा शोभे चनरम भर, ए बाबा देहिया में शोभे रखवा भभूतिया पहिरन बघवा के छल, ए बाबा देहिया में शोभे रखवा भभूतिया पहिरन बघवा के छल। ये कितना दिन पहले आप ये गाना गाए हैं? ये पिछले साल का गाना है समरेश भाई का। और इधर जो भोजपुरी में और भी सॉन्ग है जी, वो बहुत सुंदर कंटेंट वायरल भई रहा अभी थाना वाला, वो भी गुनगुना थाना वाला मैटर जो महिला थाना से भइल रहे, तो खैर हो जाए तो हमने के दूसरे काम खातिर गए रहे, लेकिन कुछ दूसरा ही हो गई, भगवान की कृपा कल जो को अच्छा चीज़ से जानल गई वो चीज़ के। बट्टी जई है घरवा अंगना दुआर पाई पाई के करा में बाबू रही है के करा में माई के करा में बाबू रही है। कि आजकल जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे जो भी बिहार से या तो जहाँ से रहने वाले हमारे भाई लोग हैं,
कृपया माँ बाप का जरूर सेवा करें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर धन है तो वही सेवा है, बाकी कुछ नहीं है, फिर तो माँ बाप मिलेंगे नहीं। तो जो भी हमारे गाना को सुनने वाले दर्शक हैं, सावन के महीने जरूर फॉलो करें। तन्या झा है जो ये बाबा है, वो पहले बोलते थे कि वो हमारे हम उससे शादी करने वाले हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि वो हमारी बेटी लगती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो तेगलवा बाबा है, तेगलवा बाबा के बारे में क्या कहा, जो तेगलवा बाबा वो तो कुछ कह दिए, 20 रुपया दे दिया पाँच पिए खाती है, मैं कुछ बोल दिए बात नहीं किया। ऐसे के बाद और भी दो चार हमरों के फंसावे के बहुत ज़्यादा कोशिश भी रहता है नया झा के मैटर में, लेकिन हम अपने आप के देखने गुह पे ढेला बिगल से छिटका अपने पर ही ऐसे बढ़िया बाकी गुह पे ढेला बिग भी मत करी, साइड से कट हो जाए, डोंट टच मी, नो परमिशन। तो ये बात बा, अब उनका क्या कल जो तन्या झा के घर तेगा रेलते बड़े पसंद से अपन बेचारे त्रिशूल रखले बड़े अपन त्रिशूल डमरू दोनों कसत आ रहे पसंद से। वो बोलते हैं मैं बाबा नहीं मैं बोबो हूँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोबो का मतलब क्या होता है? अब हमने यहाँ तो संस्कार से कहा जाला को फलानवा बो चाहे केहू बोबो 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 कहते रहे तो उनको कहाँ कौन बोबो किन सेट करो तो भगवान है जाना। तन्या झा को आखिर समझते क्या है कि अपने को आपको बोबो बोलते हैं, तो उसको क्या समझते होंगे जो अपने आप को बोबो बोलते हैं? हम लेकिन जीवन में अपना ऐसा बाबा ना देखले रहनी है जो आज के दुनिया में देखे के मिलता है, तो उनका बारे में क्या कहा, डोंट टच मी नो परमिशन, ठीक बा। तो हमारी तन्या झा भी बोलती है कि हम मिलना चाहते हैं उनसे, उनसे शादी करना चाहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप कि बाबा एक बार जरूर मिलिए? वो ऑफर करती हैं बाबा को, देखें जे नशा कर जानो जे अगर खूब छूट के अगर नशा करता है अगर सांप डस लेबे तो सांपे मर जाला, तो हम तन्या झा से कहूँ कि तेगा बाबा से दूरिए रही ना, तो वो कहीं डस लिए तरह के तो दिक्कतें हो जाए, पता चले कि कलुए आखिर विदाई होके लागल, तो जितने दूर रहूँ तेगा बाबा से उतने बढ़िया रही। और भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये गाने को लेकर काफ़ी विवाद हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी चलाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुपरस्टार जो भी बाटे पवन भैया होकर सारी भाई नहीं नहीं छोटे छोटे कलाकार को जो गाना भी चुरा लेते हैं लोग, उसके बारे में आप हम बताओ तो नहीं, जो भी गाना चुरा होता है चाहे जे लेवल के बाद गाना चुरा रहा बाटे गलत बात बा, एगो छोटा कलाकार कहाँ से पैसा लेके कैसे कैसे मैनेज करके कहाँ कहाँ से व्यवस्था करके कैसे कैसे माई बाबू से मांग के कर्ज काट के कलाकार गाना गाओ था, तो वो कुछ मत दो तू करके अपन बुला के एक बार ऑफिस में बुला के रूम पे बुला के वो लड़का के आशीर्वाद दे दो, दो दिन अपना साथे रखो ओकरा के अच्छा से समझो ओकर दर्द समझो ओकरा से पूछो कि बाबू तार गाना हमरा अच्छा लागत हम गा दी कि ना, अगर वो गायक के आदेश बताओ गाना गाओ तो ऐसे तो गई तो चोरी में चलिए जाए। एक टुनटुन यादव है जो बोलते हैं कि हम डकैत हैं किसी का गाना चुरा लेंगे, उनके बारे में? अरे भाई तो डकैत हो तो जानता ना बोखे बा डकैत के आगे बढ़ेले बा, जनता बोका बा जे सुनता जे उनका के प्रतिष्ठा देता वो बोका बा, उनका डकैत बना के रखले बटे तब उन प्रतिष्ठा से जेता एक यथा सागर हो। एक बार तानसेन बाबू बैजू बाबरा से पूछल गल कि वह संगीत में कतना जानी ले, तो वहाँ के बतैनी कि सागर में कानी उनी के डुबाई या निकाली जितना एक बूंद सुई उतने हम जानी ले, तो वैसन कलाकार जौन कि अपना गायन से दीपक जला दे, पानी के बर्फ़ बना दे, पत्थर के बर्फ़ बना दे, दीपक जला दे, दीपक बुझा दे, सब कोई के रोवा दे, सब कोई के हंसा दे, माहौल जैसन चाहे वैसन कर देवे, प्रकृति के भी बदल देवे, वैसन कलाकार जब वैसन बात कह दिलस तो दू दिन के लौड़ा छौड़ा के पूछता है आज अब कल जैब ऐसे बढ़िया चीज़ लेके आओ बढ़िया ढेर दिन तक रहो। और भी एक माइटर चल रहा है जो ट्रोली पे नाचने वाली लड़की हैं, जो आर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की हो, डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गंदा करके चली जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा के हो सकता है? अभी मोनू अलबेला का माइटर आया था जो कि 18 दिन वो लड़की आर्केस्ट्रा से ही, यानी कि बंगाल से बिलोंग करती है, सब बंगाली है, वो 18 दिन रह के और उनके बारे में कुछ बयान दी है जो कि अच्छा वायरल हुआ है उनका बयान। देखिए अपने खुद के वायरल होके खाती केहू के चरित्र पे नहीं, नहीं वो एक्सेप्ट पहले एक्सेप्ट किए और बोल रहे हैं कि 18 दिन रह कर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका बयान आया उसके बारे में। हाँ तो एक प्रकार से वो लड़की के यूजन कहल गई कोनो कलाकार कोनो छोटा कलाकार के सरदार है, लेकिन हम कैसे आगे बढ़ जाए कि आर्केस्ट्रा से उठ कर डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आ जाना, अपने आप को फेमस करना, ये कहाँ तक है? सही बात बा, ऑर्केस्ट्रा में नाचे वाली कोनो माने गलत लड़की थोड़ी होली, सब उकनी के दर्द के ना बुझेला,
ओकन के परिस्थिति के ना बुझेला, सब कोई अपना परिस्थिति से ऑर्केस्ट्रा में नाचेला चाहे जो भी होके, हमनी के कलाकार बन जाए तो करके सम्मान के दृष्टि से देखा तनी जाए, हमनी के अगर उ लड़की उठ के एक बार में भोजपुरी इंडस्ट्री में छा जाए तो एक से बेहतर का हो सकता, भगवान ओकरा साथे बढ़े। तो आप देख पा रहे हैं आर के पांडे ब्लॉक, और ये रात कुछ ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये कीमती समय को देखते हुए अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो हमारे दर्शक के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जे भी आर के पांडे ब्लॉग्स के देखा था सबको इसे निहुरा बिनती चिरौरी अर्जी बा कि आप सब चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा स्नेह दी।